नमस्कार, मैं हूं विजय वर्मा। चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। तो यूं तो राजस्थान के चुनावी महासमर में सियासत के सूरमाओं की रणभेरी बज उठी है, लेकिन अभी भी चुनावी रण में कुछ लड़ाकों का इंतजार बाकी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन भरने की आखिरी तारीख 6 नवंबर है। 25 नवंबर को यहां मतदान है और 3 दिसंबर को परिणाम आ जाएंगे। लेकिन अभी भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल पूरी 200 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पाए हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार एक एक सीट को लेकर दोनों ही दलों के सीनियर नेताओं ने जमकर मंथन किया है। जिताऊ प्रत्याशी होने के साथ ही दोनों ही दलों ने क्षेत्र के जाति समीकरणों को भी साधने का प्रयास किया। इसके अलावा टिकट कटने या नहीं मिलने से खफा एक दूसरे के बागियों को भी राजनीतिक दल साधने में जुटे हैं। इस फेरिस्त में अब कांग्रेस भाजपा के अलावा दूसरे राजनीतिक दलों की भी एंट्री हो चुकी है। चलिए आज हम हार या जीत के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि राजस्थान की उन सीटों के बारे में चर्चा करेंगे जिनसे प्रदेश की चुनावी हार जीत की इबारत लिखी जाती है। आज बात करेंगे राजस्थान के मेवाड़ की उन 28 सीटों की जो सरकार बनाने या बिगाड़ने में सक्षम कही जाती है। जानिए क्या है इनका गणित। तो प्रदेश की सियासत में मेवाड़ अंचल खास किरदार रखता है। ऐसी टेंडेंसी बनी हुई है कि जो भी दल मेवाड़ जीता सरकार उसी की बन जाती है। आंकड़ों की भी बात करें तो ऐसा ही कहते हैं। हालांकि पिछली बार यह मिथक टूट गया था क्योंकि कांग्रेस मेवाड़ में पीछे रही, फिर भी अशोक गहलोत की सरकार बन गई। यह ऐसी भी हॉट सीट है जो हमेशा चर्चाओं में रहती है, क्योंकि इस क्षेत्र में कहीं कांग्रेस का गढ़ है तो कहीं बीजेपी का। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी BTP भी कुछ दम भर रही है। 16 सीटों पर यहां आदिवासियों का वर्चस्व है। ऐसे में जानते हैं कौन सी सीट किस पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे उदयपुर की 8 विधानसभा सीटों। यहां बीजेपी का वर्चस्व रहा है और कांग्रेस को चुनौती झेलनी पड़ी है। बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता गुलाबचंद कटारिया यहां से लगातार 4 बार चुनाव जीते हैं, जो अब असम के राज्यपाल हैं। इसीलिए इस बार यहां से ताराचंद जैन को टिकट दिया गया है। बताया जा रहा है कि उदयपुर की मौजूदा जो राजनीति है उसमें ताराचंद का अच्छा वर्चस्व है। इस बार कांग्रेस ने यहां से अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ को चुनावी मैदान में उतारा है। इस सीट की बड़ी बात यह है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास भी मैदान में उतरी थी, लेकिन कटारिया के वर्चस्व के सामने चुनाव हार गई। कांग्रेस के लिए इस सीट पर फतह हासिल करना बहुत बड़ी चुनौती। उदयपुर जिले की 8 सीटों में से 6 बीजेपी और 2 कांग्रेस के पास है। मेवाड़ वागड़ की 28 में से इन सीटों को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। अलग अलग सीटों की बात करें तो गोगुंदा सीट पर 2 बार प्रताप भील बीजेपी से विधायक बने, जबकि कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष लाल सिंह झाला इसी विधानसभा से आते हैं। इसके अलावा सलूमर सीट पर बीजेपी के अमृत लाल मीणा भी 2 बार से विधायक है। उदयपुर ग्रामीण से बीजेपी के फूल सिंह मीणा 2 बार से यहां विधायक हैं। मावली विधानसभा में धर्मनारायण जोशी विधायक रहे हैं, अभी मौजूदा विधायक हैं, 2018 जीते थे। झाड़ोल से बीजेपी के बाबूलाल खराड़ी 2018 में चुनाव जीते हैं। 2 सीटों पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। वल्लभ नगर से साल 2018 में कांग्रेस के गजेंद्र सिंह शक्तावत जीते और खैरवाड़ा विधानसभा से कांग्रेस के दयाराम परमार। यहां बीजेपी को चुनौती है। राजसमंद जिले की बात करें तो राजसमंद जिले में 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से राजसमंद शहर और नाथद्वारा सीट प्रमुख है। राजसमंद शहर सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, क्योंकि पहले किरण माहेश्वरी 4 बार से यहां विधायक रही और उनके निधन के बाद उपचुनाव में उनकी बेटी दीप्ति माहेश्वरी जीती, जिनको दोबारा टिकट दे दिया बीजेपी ने। नाथद्वारा विधानसभा सीट पर अभी कांग्रेस का वर्चस्व है, क्योंकि यहां विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी विधायक है। वहीं कुंभलगढ़ सीट पर बीजेपी के सुरेंद्र सिंह राठौड़ 6 बार से यहां विधायक रहे और भीम में कांग्रेस से सुदर्शन सिंह शेखावत, यानी राजसमंद में कांग्रेस के लिए चुनौती है। इसी तरह चित्तौड़गढ़ में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें चित्तौड़गढ़ में बीजेपी के चंद्रभान सिंह आख्या 2 बार से विधायक रहे, लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया और नरपत सिंह राजवी को दे दिया। बड़ी सादरी बीजेपी के लिए ललित ओसवाल यहां से 2 बार विधायक हैं। कपासर में बीजेपी के अर्जुन लाल जीनगर 4 बार से यहां विधायक है। इन 3 सीटों पर कांग्रेस को चुनौती है। वहीं निम्बाहेड़ा और बेगू में कांग्रेस जीतती है। हालांकि निम्बाहेड़ा से 2013 में बीजेपी के श्रीचंद कृपलानी जीते थे। प्रतापगढ़ जिले में बीजेपी का कई साल से एक तरफा वर्चस्व था, जो पिछले विधानसभा चुनाव में टूट गया।
प्रतापगढ़ सीट से रमेश मीणा विधायक बने और वहीं उपचुनाव में धारियावाद सीट पर कांग्रेस के कब्जे में कांग्रेस ने अपने कब्जे में ले ली। डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों में आदिवासियों का वर्चस्व रहा है, साथ ही त्रिकोणीय टक्कर होती है क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा यहाँ बीपीपी का वर्चस्व बढ़ा है। भागड़ की 9 विधानसभा सीटें हैं जिसमें बांसवाड़ा जिले में 5 और डूंगरपुर जिले में 4 हैं। बांसवाड़ा की बागी दोरा एक मात्र सीट है जहां से कांग्रेस के महेंद्रजीत सिंह मालवीय विधायक हैं और 4 बार से जीत रहे हैं। अन्य 4 सीटों पर जीतने वाले दल बदलते रहे हैं। डूंगरपुर जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं जिनमें डूंगरपुर, सागवाड़ा, चौरासी और आसपुर है। डूंगरपुर सीट कांग्रेस का गढ़ है। अभी विधायक गणेश घोगरा है यहाँ से और यहाँ फिलहाल 2 सीटों पर आसपुर और चौरासी में बीटीपी का वर्चस्व रहा है। तो कांग्रेस इस बार दावा कर रही है कि इस बार राजस्थान अपना सियासी रिवाज नहीं दोहराएगा, यानी इस बार कांग्रेस फिर से रिपीट करेगी। बीजेपी कांग्रेस के इन मंसूबों पर पानी फेरना चाहती है। कुल मिलाकर जीत का जादू आंकड़ा छूने के लिए दोनों ही दल इन चुनावों में कुछ नए सियासी पैंतरे अजमाने से गुरेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह भी तय है कि इस चुनाव में भी मेवाड़ की सियासत का खासा किरदार रहेगा। चुनावी चर्चा में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।